वेट कम करना चाह रहे हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास इसी शिकायत के साथ आते हैं कि हमारा वेट जो है वो स्टक हो गया, या स्टक होता है या डाइटिंग के बावजूद भी हमारा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा। आज की वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा तोकीर, आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया है कि हम स्टक वेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या रीज़न है कि हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया, हम डाइटिंग कर रहे हैं, 14 to 16 आवर्स फास्टिंग भी कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा वेट जो है वो स्टक है। इसकी क्या रीज़न्स है ये हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जीन्स में जो है वो मोटापा हो सकता है, लाइक वो हमें अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, फादर में हो सकता है, मदर में हो सकता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न। सेकेंड रीज़न जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी ये कि हमारे जो थायराइड है उसमें एक हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन होती है, जैसे थायराइड हार्मोन होते हैं। इसमें 3 किस्म के हार्मोन्स होते हैं, T3, T4 एंड TSH। जो T3 हार्मोन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो और फास्ट करने का रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी, अगर हमारा T3 हार्मोन यानी हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और उसकी वजह से हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न जो मैं डिस्कस करूँगी वो हमारे पास है विटामिन डी डेफिशिएंसी। नॉर्मली विटामिन डी डेफिशिएंसी हम ये कहते हैं कि मसल और बोन्स की हेल्थ के लिए विटामिन डी जो है वो कंपलसरी है, बट इसके अलावा विटामिन डी जो है वो सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन कराता है और उस प्रोडक्शन से ये दोनों मिलके क्या स्टिमुलेट करते हैं, ये मिलके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाता है तो उससे हमारे जो है ओबेसिटी कम होती है, मींस कि हमारी डाइजेशन प्रोसेस अच्छा हो जाता है। वेट स्टक हो गया लेकिन इसके रीज़न क्या है? अब विटामिन डी बेशक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है लेकिन उसकी प्रेजेंस हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा और हमारा वेट स्टक हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेस है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हमारा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा, हमारा वेट स्टक है, हम डाइटिंग नहीं कर पा रहे, हम डाइटिंग नहीं कर पा रहे तो लोग हमें क्या कहेंगे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपका किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है और वो स्ट्रेस जो है वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। जैसे ही आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से आप जो है वो ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। अब हम स्टक वेट की मैनेजमेंट पे बात करते हैं। डाइटिंग इज़ नॉट अबाउट कटिंग फूड्स, कि आप खाना पीना छोड़ दो, 14 hours, 16 hours की फास्टिंग करो। डाइटिंग में सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपनी फूड को पोर्शन में डिवाइड करो। आप कार्ब्स का भी पोर्शन लो, प्रोटीन का पोर्शन लो, फैट्स लो, सब कुछ लो, इवन डेरी लो, लेकिन अपनी मील्स को डिवाइड करो। every 3 hours कुछ ना कुछ खाओ, अपना मेटाबॉलिज्म जो है उसको फास्ट करो। इससे क्या होगा कि आपका जब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो आप लोग वेट जो है वो जल्दी लूज़ करोगे। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस लेवल अपना कम करो। अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो उसको क्योर करने के लिए आप किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करो। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मरहम के थ्रू बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।